वो जकात दें तो खालिस नीयत से जकात अदा करनी चाहिए, खालिस नीयत से जकात दें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 30 में अल्लाह फरमाता है, जो जकात तुम खालिस नीयत अल्लाह के लिए देते हो, उसकी रजामंदी और खुशी के लिए देते हो, तो वही लोग अपने मालों में इजाफा करते हैं। यानी खालिस नीयत से जो देता है, यानी दिखाने के लिए, इनाम नमूद के लिए नहीं देता, सिर्फ जो अल्लाह के लिए खर्च करता है तो अल्लाह से जो है उससे उसके माल में अल्लाह इजाफा कर देता है। इसी तरह जो है जकात हम क्यों दें, क्योंकि जकात देने से, जकात के अंदर ये नहीं कि आप दे रहे हैं, जकात आपके पास जो माल है, आपके पास जो पैसा है, जो इनकम है, इसके अंदर ये आपका अकेले का नहीं है, खुद का पूरा समाज, एक माशरा उस पैसे के अंदर आपकी जो इनकम है उसके अंदर मुलव्विस होता है, या आपका खुद का अकेला नहीं है, ये माल पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जैसे एक दुकान के अंदर एक मालिक है, नौकर है, तो नौकर एक काम करते हैं तो मालिक कमाता है, तो नौकर उसमें इन्वॉल्व है, उसकी इनकम के अंदर अगर वो नहीं होंगे तो इतना वो काम नहीं कर सकता, उसको दुकान छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी वो नहीं समझ सकता, गोदाम कम करने पड़ेंगे क्योंकि वो नौकरी तो लाते हैं सब सामान, तो वो पूरा समाज उसके अंदर मुलविस होता है, उसके अंदर कस्टमर मुलविस होते हैं, अगर कस्टमर ही नहीं आएगा तो वो भी उसके अंदर, तो इस उसके पास में पैसा है तो उसका खुद का अकेले का पैसा नहीं है, उसके अंदर तमाम तरह के समाज के जो लोग हैं, चाहे वो नौकरी करते हो, चाहे दुकानदार हो, मुख्तलिफ दुकानदार हो, उसके अड़ोसी पड़ोसी जो उससे खरीदते बेचते, तो सब लोग उस इनकम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो एक समाजी ये निज़ाम है तो उसके अंदर। तो और ये जो है जो लोग जो है ये अल्लाह देता है, और अल्लाह क्यों के देता है किसी को, कि किसी को गरीब रखता है, किसी को अमीर रखता है, तो अल्लाह जिसको चाहता है तो उस पर फजल करता है अपना और उसको माल देता है, क्योंकि ये इंसान के बस में नहीं है कि अल्लाह जिसको चाहता है किसी गरीब के घर में पैदा कर देता है, अल्लाह चाहता है किसी को जो है मन बुद्धि बच्चे पैदा होते हैं उनके पास दिमाग ही नहीं होता, किसी को अल्लाह लंगड़ा पैदा करता है, किसी को अंधा पैदा करता है, कोई अंधा पैदा हो जाता है, कोई बेरा पैदा हो जाता है, तो ये सब क्यों, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है। तो अल्लाह जिसको चाहता है, तो अल्लाह चाहता है जिसको जो गरीब रखता है, वो जो है अल्लाह चाहता है जिसको अमीर रखता है, तो ये अल्लाह की मर्जी है। तो अगर ये चीज़ों को हम समझें और लोगों को बताएं इसके बारे में, इसकी अहमियत के बारे में, ये सुनना नहीं है सिर्फ हम सुनकर चले जाएँ, इसकी अहमियत के बारे में बताएंगे तो क्या होता है, जो नेकी का बदला क्या है, नेकी है, तो आप किसी को नेकी बताएंगे और नेकी करता है तो उसको जो नेकी मिलती है आपका भी उसको सवाब उसके अंदर मिलता है। तो ये गरीब अल्लाह रखता है और अमीर पैदा करता है, क्यों करता है, क्यों, एक तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है, वो चाहे जिसको जो है गरीब पैदा करे, चाहे जिसको अमीर पैदा करे। दूसरा ये कि अल्लाह जिसको माल देता है तो गरीब को पैदा कर कर उसके माल जब दिया तो देखना चाहता है, उसको आजमाता है कि बंदे को मैंने माल दिया तो अब ये मेरे बंदों पर खर्च करता है कि नहीं, कि इस बंदे को मैंने गरीब रखा, माजूर रखा, इसको कमज़ोर रखा, इसको अंधा लंगड़ा लूला मैंने पैदा किया, अब ये इसको देता है कि नहीं, तो वो उसके लिए आजमाइश होती है। और माल जो है इंसान तकदीर से लाता है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि माल इंसान तकदीर से लाता है, कि आदमी ये ना सोचे मेरी मेहनत से आता है, कि मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं डॉक्टर हो गया, मैं इंजीनियर हो गया, इसलिए मेरे पास माल है, मैंने ये फला बिजनेस किया। इस पर आप देखिए, आपको दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, आप देखिए अंगूठे टेक, जिनको ना सिग्नेचर करना नहीं आता, वो दूसरों के भरोसे चलते हैं और सिर्फ उनको सिग्नेचर हुआ कि ये जो है प्रॉपर्टी ये बेचना है, ये फला उसको ये चेक देना है, ये उसको पेमेंट उसको देना है, तो कहते लाओ कहाँ लगाना, अंगूठे लगाते, और माल उनके पास बेहिसाब है, और वो बड़े 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 इंजीनियर डॉक्टर वो उनके यहाँ काम करते हैं। देखिए आप बहुत सारे दुनिया में मिसालें, दुनिया में मिसालें, अधिक जो माल है, ज़्यादातर माल आप देखेंगे तो अनपढ़ लोगों के पास में, जितने पढ़े लिखे नहीं, वो पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते थे, जिनके जो अखबारात में नाम आते थे कि फला मेरिट में ये मेरिट है, वो उनके यहाँ काम करते, जिसकी मिसाल आपको दुनिया के आला मिसाल बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक, सबसे अमीर शख्सियत आज की तारीख में दुनिया के अंदर, और वो आप उसके देखेंगे कि वो जिस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वो वहाँ पर जहाँ पर वो पढ़ा, तो उसके साथ में जो स्टूडेंट पढ़ते थे, उसके साथ जो तलबा थे वो पढ़ते थे, तो उसके अंदर वो फेल हो गया, कौन, बिल गेट्स फेल हो गया, वो बाकी जितने जो टापर थे वो आज सारे टापर दुनिया के उसके वहाँ काम करते, वो सब कमा लिखे, तो ये दुनिया जीती जाती मिसाल। तो ये तकदीर से जो है बंदा लाता है, और अल्लाह चाहता है जिसको ये देता है। और ऐसा भी नहीं कि क्यों अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, एक को गरीब रख दिया, एक को अमीर रख दिया, सबको बराबर कर देता तो वो चिंता ही नहीं, सब खत्म हो जाते, मसले ही सारे कि सबके पास बराबर, सब बराबर का पैसा, हाँ ये भी लाख, इसके पास लखपति, ये भी करोड़पति, ये भी करोड़पति, सारे मोहल्ले में सब करोड़पति, तब ये बताए। लेकिन ये सिस्टम चलता ही नहीं अगर ऐसा होता, वो कोशिश की लोगों ने इसके लिए, कम्युनिज्म
ये एक सिस्टम आया था, लोगों ने किया नहीं, सब लोगों के पास माल बराबर होना चाहिए, तो क्या हुआ कि मैनेजर के भी इतनी तनख्वाह और चपरासी की भी इतनी तनख्वाह, तो अब बताइए वो कोई मैनेजर काम करेगा क्या? तो चला ही नहीं, वो ख़त्म हो गया। आज भी खैर कई मुख्तलिफ जगह पर उसको कुछ कुछ वो उन्होंने नाफिस किया हुआ है, लेकिन वो चलता ही नहीं है। चाइना के अंदर है आज भी जो है कई हद तक उन्होंने उसको कर रखा है, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं चलता, क्योंकि उसके अंदर आदमी काम नहीं करेगा, वो जो उसके अल्लाह ने सलाहियत उसको दी है, तो वो महारत जिस पर हासिल है तो वो नहीं करे, बोले फ़ायदा क्या, फ़ायदा उसको क्या है? मैं पूरी मशीन बनाता हूँ और ये इसको बोलता हूँ ये मशीन बन गई, इसको साफ़ कर, इसकी भी इतनी तनख्वाह, वो मैंने पूरी बनाई तो मेरी भी इतनी तनख्वाह, तो क्या मतलब ऐसी मेहनत कर? तो ये सिस्टम चलता नहीं, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो दुनिया भी नहीं चलेगी। एक मोहल्ले के अंदर मैं अमीर, मेरे साहब करोड़पति, ये करोड़पति, वो करोड़पति, अब मैं करोड़पति निकला, भाई मेरा घर बना दो, आप जो ये मकान आप काम करते हो मेरा घर बना दो, कहेंगे भाई मेरे पास, मैं खुद करोड़पति है कि मैं क्यों बनाऊँ? भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो गई यार ठीक कर दो, तो बोले मैं क्यों करूँ, मेरे पास तो खुद माल की कमी है क्या? तो दुनिया ही नहीं चलने वाली ऐसी, तो ये अल्लाह ने रखा है, ये दुनिया चलाने का सिस्टम भी, और ये आजमाइश भी हमारे लिए होती है।